हर साल लगातार, कभी तो सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सरकार पर आरोप लगाते थे, कभी जो पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, महिला अपराध, अभी 3 दिन पहले जिस तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के खेल ग्राउंड में नाबालिग दलित बालिका के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई, एम्बुलेंस थानों में बलात्कार हुए। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस राज में ही नहीं हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 13 से 18 और 3 से 8, सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़े तो वसुंधरा सरकार में 3 से 8 और 13 से 18 में अपराध बढ़े। 98 से लेकर 23 तक का जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है, निश्चित रूप से जो राजस्थान महिला अपराध में 2300-2400 नंबर पर था वो 1 नंबर पर आ गया। आपको पता है कि 8 से 13 भी 3-3 मंत्री जेल के अंदर थे, सरकार के मंत्री थे और जेलों में रहे, जिनमें से एक तो अभी वापिस मुख्यमंत्री जी खास निर्दलीय जीत गए हैं दूदू से। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी रेप के आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे और कई अपराध में कई नेता जेलों में भी गए। तो ये गठबंधन जो क्रिमिनल को गैंगवार की जो घटनाएं राजस्थान में वसुंधरा सरकार के समय हुई, जातीय झगड़े जो वसुंधरा की सरकार में इनके खास में खास मंत्री भरतपुर की जेल के अंदर क्रिमिनल से मिलने जाते हैं, वो मामला विधानसभा के अंदर हमने उठाया था। बजरी माफिया जिस तरह पनपा, पर्यटन भू माफिया पनपा, गैंगस्टर पनपे इन सरकारों के अंदर, कहीं ना कहीं मिला जुली का खेल है। इसमें अंतिम जो जांच है वो वहां नहीं पहुंचती, जिस तरह आरपीएससी की घटना है। वैसे तो अशोक गहलोत